और कानपुर की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 13 मई को कानपुर में मतदान है, उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि श्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कानपुर की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता प्रमोद जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के भाई हैं प्रमोद, और सीएम योगी की जनसभा में बीजेपी की सदस्यता ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं प्रमोद जायसवाल, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो बड़ी खबर कानपुर से इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर श्री प्रकाश जायसवाल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भाई प्रमोद जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहाँ पर प्रमोद जायसवाल एक बड़ा नाम कानपुर में कांग्रेस का, इन्होंने आज हाथ का साथ छोड़ दिया है। और कौन है प्रमोद जायसवाल ये भी आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के भाई भी हैं, और हमसे बात करने के लिए प्रमोद जायसवाल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में। प्रमोद जी, जिस तरीके से आपने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या कुछ रीजन इसके पीछे? रीजन मेन हमारा बीजेपी ज्वाइन करने का रीजन ये है कि मोदी जी ने पूरे भारत की एकता को बनाए रखने के लिए जी सत्ता हटाई जी, और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म किया जी। आज बहन बेटियां आराम से हर जगह आ जा सकती हैं। मैं योगी जी की नीतियों से तब बीजेपी ज्वाइन की जी। प्रमोद जी, जिस तरीके से अगर प्रदेश की बात करें, डबल एजेंट के सरकार है और अब आप भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो किस तरीके से आप काम करेंगे इस शहर के लिए? हम तो जनता की सेवा अपने जीवन काल से करते चले आ रहे हैं और जनता की सेवा करेंगे, और उसमें हमारा भाजपा के जीत में जो योगदान बन पड़ेगा वो मैं पूरी तरीके से। प्रमोद जी, आगामी 13 मई को मतदान भी है, किस तरीके से आप भूमिका बनाएंगे बीजेपी के लिए, किस तरीके से मतदाताओं के बीच जाएंगे? मैं मतदाताओं के बीच में जाकर जी, मतदाता ऐसे भी बहुत अच्छी तरीके से भाजपा की नीतियों से प्रेरित है, मैं उनको लेके और उनके साथ जाकर लोगों को कहूंगा कि हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति, जो परिवार कम से कम लेके जाके वोट डलवाए, जाके वोट, बिल्कुल भारत की अखंडता को ताकत मिले। बिल्कुल प्रमोद जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता प्रमोद जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान सदस्यता ग्रहण की है। आज कानपुर के अकबरपुर के दौरे पर सीएम हैं, और आज इनकी जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद जायसवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के भाई हैं प्रमोद जायसवाल, और आपको बता दें कि सीएम योगी की जनसभा में बीजेपी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। और अगर कानपुर की बात करें तो एक जाना माना नाम है ये, और कानपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।